ओम द्रभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमतये नमः, ओम रम रमाय नमः, ओम मातेश्वरी नमो नमः, ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय, बात करते हैं आज का राशिफल। रविवार संडे 24 मार्च 2024, तिथि चतुर्दशी 1 4 5, तिथि का अंक 5 बनता है 2 4 6, शुक्र का और बुध का, रविवार सूर्य भगवान का। राशिफल में जाएं उससे पूर्व, इस समय आप लोग जो लोग कुंडली दिखा रहे हैं, मैं कुछ कुंडलियों में अभी जो कुंडली आ रहे हैं इस समय देख रहा हूं, आपके जो भी समस्याएं हैं उस समस्या में कुंडली अच्छा है, लेकिन कहीं टेलीफोन नंबर में समस्या है, जन्मांक भाग्यांक मूलांक नामांक के साथ नंबर मैच नहीं कर रहा है, जिसके लिए लाइफ में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल पा रहा। कुंडली अच्छा होने के बावजूद भी आप मोबाइल नंबरों के द्वारा अपने जीवन में एक बाधा बना के रखे हो। दूसरा, बहुत से ऐसे कुंडली देख के देख लेता हूं और बोलता हूं कि भाई देखो तुम्हारे वास्तु में प्रॉब्लम है, और कुंडली से ही बता देता हूं। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि इस समय जो लोग कुंडली दिखा रहे हो, मैं यहां से बैठ के वास्तु करेक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, बट कुंडली के साथ, हाथ का आगे पीछे फोटो के साथ, कपाल का फोटो के साथ, पैरों का फोटो के साथ, आपके वास्तु का भी एक डायग्राम आप दे सकते हैं। जैसे ये आपका घर का हो गया, कैसा है, कहाँ बाथरूम, कहाँ लेटरिन, कहाँ पर बेडरूम, कहाँ ड्राइंग रूम, कहाँ किचन, कहाँ, ये डिटेल एक ड्राइंग करके, और अगर आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हो तो किस जगह में कौन सा कलर दिए हो, कहां पर आपका गीजर, ये गीजर बोलता हूं, आपका जो फायर एलिमेंट्स है जैसे इन्वर्टर वगैरह, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, एसी वगैरह लगाए हो, उसका भी थोड़ा थोड़ा सिग्नल दे दें, ताकि एग्जैक्ट फॉल्ट निकाल लूं कि आपके नंबर न्यूमरोलॉजी में प्रॉब्लम है, आपके वास्तुमंडल में प्रॉब्लम है, या आपके कुंडली में प्रॉब्लम है, तो वो डिटेक्ट आसानी से हो जाएगा। तो उस अनुसार मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि जो लोग अभी कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेरे को भेजे, ताकि मेरे को और सुविधा हो आपके सही प्रॉब्लम को निकाल के डिटेक्ट करके समाधान देने के लिए। तो आगे बात करते हैं राशिफल में। आज ये जो डेट है, तारीख है 2/4/24 और 4/2/6, शुक्र का नंबर। एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा, मस्ती, मस्त दिन है। 24/3/2024, इधर 24 इधर 24, 6/6 तो अच्छा है। 6 तारीख शुक्र का है तो 8 नंबर के लिए चले बुल, 4 नंबर वाले जितने भी भाग्य जन्मांक वाले हैं उनके लिए अच्छा है। हाँ, 1 नंबर के लिए, 3 नंबर वालों के लिए, 1 नंबर जिनका जन्मांक है 3 नंबर वालों के लिए उतना ज्यादा बढ़िया, 9 नंबर के लिए आज का नंबर कोई ज्यादा सूट कर नहीं दिखाई दे रहा है, और ये नेचुरली 6 नंबर सॉलिड गुड बेस्ट दिन माना जाएगा तारीख के अनुसार आप लोगों के लिए, 6 वालों के लिए, 4 वालों के लिए, 8 वालों के लिए, 7 वालों के लिए, 5 वालों के लिए चलेगा। मैं जो ये कह रहा हूँ नहीं समझ पाओगे तो नीचे कमेंट में दोगे तो मैं डेट वाइज बता दूंगा। तो ये था न्यूमरोलॉजिकल डेट का बेसिक बात। तिथि 1/4/5 ये भी मस्त है, तिथि और बार दोनों सुइटेबल, अच्छा रिएक्ट कर रहा है। रविवार 1 यहाँ भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, सूर्य भगवान का दिन है आज, बढ़िया से सूर्य भगवान को पूजा करके चले। फाल्गुन शुक्ल और होलिका दहन, जो लोग होलिका दहन आज रात को करेंगे उनके लिए भी हर दिशा से बड़े सारे मनोकामनाओं का पूर्ति पूर्ण होने वाला दिखाई दे रहा है, तो ये हर दिशा से अच्छा है। तो पहले तिथि का बात करते हैं, तो चतुर्दशी और शुक्ल चतुर्दशी को
शत्रुता और अशांति, यहां तिथि फल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, शत्रुता और अशांति का मानसिकता बनता है, इस क्षेत्र में थोड़ा सावधान रहें। चतुर्दशी का भगवान भोलेनाथ शिव शंभु का याद करेंगे, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और रविवार है, सुबह सूर्य भगवान का भी मंत्र जप करेंगे, शिव का भी, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, जो लोग नहीं कर रहे हैं करके चलिए। तिथि चतुर्थी चतुर्दशी योग गंड करण वाणिज्य नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी 7:34 AM तक सुबह सुबह नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, आगे उत्तरा फाल्गुनी पे चलेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भोग करने वाला है। और पक्ष शुक्ल बार रविवार सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:34, चंद्रोदय 5:52 PM, चंद्रास्त 6:18 AM, सूर्य चंद्र भगवान को पूर्णमी तक जरूर प्रणाम करें, और मैं तो कहूंगा हर दिन करो, हर मनोकामना पूर्ण होने वाला है और चंद्रमा से अच्छा फल मिलने वाला है, मैं करता हूं आप लोग भी करिए। शक संवत 1945, कलि संवत 5125, विक्रम संवत 2080, फाल्गुन अभिजीत 12:03 से 12:52, राहु काल 5:03 से 6:34 PM तक, दिशाशूल पश्चिम ना जाए, जाए तो टोटके के साथ जाए। आज का राशिफल मिथुन सिंह तुला वृश्चिक कुंभ और मीन में रहेगा। नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आद्रा पुष्या मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवणा शतभिषा उत्तर भाद्रपद के लिए उत्तम अच्छा है। रविवार का दिन है, मीन लग्न में उदय में सूर्य भगवान का सूर्य यहाँ पर है और सूर्य का ही होरा रविवार का दिन 6:20 से 7:21 तक फुलफेज एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, अच्छा एनर्जी मिल रहा है, बढ़िया कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा राहु का पुल रहेगा लेकिन इसके बावजूद भी सुबह बेस्ट होने वाला है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए सुबह का प्रारंभ करेंगे। उसके बाद शुक्र का हो रहा 7:21 से 8:22 और इस समय रविवार का दिन में लग्न इस समय रहेगा मेष लग्न, शुक्र शुक्र और बुध का हो रहा रहेगा, बुध के इस परिस्थिति में शनि और शनि का दृष्टि में थोड़ा यहाँ फूल ज्यादा मिल रहा है, इस समय के लिए थोड़ा सावधान रहेंगे। कन्या के लिए अष्टम, वृष के लिए द्वादश, इनको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, बाकी लोगों के लिए थकावट दे सकते हैं। उसके बाद वृष लग्न का प्रारंभ हो जाएगा और वृष लग्न और रविवार का दिन यहां पर 10:38 और 10:38 तक यानी चंद्रमा और शनि का होरा यहाँ क्रॉस करता रहेगा, यहाँ मस्त एनर्जी फुल फेज बढ़िया है, इस समय आपके लिए सुटेबल रहेगा। तुला के लिए अष्टम, मिथुन के लिए द्वादश, इनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड का बात करते हैं, मिथुन लग्न, मिथुन लग्न का 12:50 तक रहने वाला है और इस समय शनि बृहस्पति का होरा रहेगा, नॉट गुड, यहाँ थकावट टेंशन द्वंद दिखाई दे रहा है, इस समय मिथुन वाले भी थोड़ा सावधान रहेंगे। और कर्क का द्वादश और वृश्चिक का अष्टम, इनके लिए ये टाइम जोन नॉट गुड रहेगा। कर्क लग्न का परिसमाप्ति 3:04 तक और इस समय सूर्य और शुक्र का हो रहा यहाँ 70% अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु का अष्टम, सिंह का द्वादश, इनको छोड़ के बाकी के लिए ठीक रहेगा, काम कर सकते हैं। सिंह लग्न 5:13 तक और इस समय बुध और चंद्रमा का होरा रहेगा, यहां भी अच्छा दिखाई दे रहा है, सुटेबल एनर्जी दिखाई दे रहा है, काम बढ़िया बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन विचलित और निर्णय लेने में क्षमता में थोड़ा सा कमी दिखाई देगा। इस टाइम जोन में कुछ लोग नए के साथ टकराव हो सकता है। ये मकर के लिए अष्टम, कन्या के लिए द्वादश, इनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगा। बात करते हैं इस लग्न में, आज कर्क और सिंह लग्न में योर हाइनेस महारानी जी का मैं कुंडली देख रहा था, आज 3-4 कुंडली को मुझे कैंसिल करना पड़ा, महारानी साहिबा आज आके बैठ गई तो मेरे लिए तो राजी हो गए। ठीक है, आज पहला बार ऐसे बहुत पुश्तैनी हीरा देखने का मौका मिला, महारानी साहिबा आई हुई थी तो हमारे देवगढ़ के, देवगढ़ रियासत के आई थी, तो
आज करीब 4 घंटा उनके साथ ही मेरा समय गया। सो बता दिया कि देखो इस लग्न में क्या होता है, कैसे योग होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं सिंह लग्न, और सिंह लग्न का 5:13 बता दिया। ये कन्या लग्न 7:22 के टाइम पीरियड ये बृहस्पति और मंगल का हो रहा है। छोड़ दो कि तुम यहाँ बैठा हुआ है, राहु का सूर्य का दृष्टि है, क्या बात करना है, लेकिन ये स्वाभाविक बात है कुंभ के लिए। ये जो कन्या है अष्टम का रहेगा और सिंह तुला के लिए द्वादश का रहेगा, इनको छोड़ के बाकी के लिए मैचेबल रहेगा। लेकिन इस समय देखना थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, बिन मतलब का वाद विवाद हो सकता है, मन में थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ठीक रहेगा। चलिए आज का पंचांग के अनुसार यहाँ शुभ कर्म निषेध है। आज का दिन रविवार का दिन है, किसी भी प्रकार का शुभ कर्म नहीं है। पाप सप्त दोष यहाँ पर लग रहा है, और गते बिष्टि एवं पाप सप्त दोष हेतु आज कोई भी शुभ कर्म यहाँ नहीं दिया गया। मेष राशि, घातवार, कर्क राशि और मकर राशि के लिए घात चंद्र, थोड़ा सावधान रहेंगे। और पुष्कर दोष द्विपाद नक्षत्र पुष्कर फल विनाश का दिखाई दे रहा है, आज जो मर रहे हैं उनके लिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन पहला रजदर्शन कन्या के लिए सुभागा अति उत्तमा बताया गया। स्त्री तैल वर्धन बीर्जा वर्जनम नहीं करेंगे, चंद्र उपवास पूजा अर्घ्यदान आज जरूर करें। और आज का हरिहर मिलन है यहाँ आज, तो बहुत इसके क्षेत्र में हमारे यहाँ पालकी निकलता है, पूजा पाठ बहुत जोर चलता है। पॉसिबल होगा तो वीडियो भेजेंगे, अपलोड करेंगे, देखोगे आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। यहाँ जो चंद्रमा है, आज का चंद्रमा सिंह राशि 2:21 छोड़ रहे हैं, 2:21 PM के बाद कन्या में जा रहे हैं। दो राशि फल होगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोलूंगा, टाइम आप समझ लेना, 2:21 के बाद एनर्जी में चेंजेस। मेष राशि का पंचम चंद्रमा रहेगा, 2:21 के बाद षष्ठ चंद्रमा हो जाएगा। दिन का 2 बजे तक बहुत गुड नहीं रहने वाला है, उसके बाद एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा। और सफलता, आरोग्यता, बल वृद्धि बढ़ जाएगा, काम में सफलता सेकंड हाफ में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाफ जहां 18 एनर्जी है, सेकंड हाफ में आपको 50-60 तक एनर्जी जाएगा, अच्छा रहेगा। ब्रश के लिए बात करते हैं, तो यहां चंद्रमा चतुर्थ पंचम है, 17 और 27 का एनर्जी दिखाई दे रहा है, बहुत सफलता नहीं मिलेगा। गलती से किसी पेपर में सिग्नेचर वगैरह या कोई निर्णय लेने का काम नहीं करें। जमिनाई मिथुन के लिए यहाँ तृतीय और चंद्रमा फर्स्ट हाफ काम निकाल लो, अच्छा एनर्जी है। 60 से डायरेक्ट डाउनफॉल कर जाएगा 37 में, तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है। फर्स्ट हाफ आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्क राशि के लिए फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहने वाला है, 22 एनर्जी रहेगा, सेकंड हाफ 50-60 तक एनर्जी यहाँ पर जाएगा, तो अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंह के लिए फर्स्ट हाफ जो भी काम निकालना है निकालिए, सेकंड हाफ नॉट गुड रहने वाला है और सेकंड हाफ में एनर्जी डाउन जाएगा। फर्स्ट हाफ कर्म सिद्धि योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे नए आइडियाज यहाँ पर आ सकते हैं, बट सेकंड हाफ में एनर्जी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। कन्या के लिए बात करते हैं, फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहेगा, 12 का एनर्जी सडन 70 तक एनर्जी ग्रो कर जाएगा, संभाल लोगे तो बहुत अच्छा सफलता मिलेगा, नहीं तो खास नहीं मिलने वाला है। तुला के लिए बात करते हैं, फर्स्ट हाफ एकादश का चंद्रमा सॉलिड गुड बेस्ट 90 का एनर्जी सीधा आके 37 में हिट करेगा, नुकसान खर्चा व्यय परेशानी तनाव नॉट गुड। तो बुद्धिमता है तो दिन का सुबह का टाइम का फायदा उठाइए, सेकंड हाफ में आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बिच्छू के लिए बात करते हैं, तो दोनों ठीक ठाक है, 80-90 का एनर्जी दोनों का है, गो चिंता मत करो। धनु के लिए बात करते हैं, तो कार्य सिद्धि योग और सफलता दिखाई दे रहा है, फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहेगा, सेकंड हाफ दोनों ही सुइटेबल कहा जाए। मकर के लिए बात करते हैं, थोड़ा सा आज 2 बजे के बाद राहत मिलेगा, जो डाइवर्सन मिल रहा था इतना दिन से, 2.5 दिन से कर्म का समस्या, जो आप बिन मतलब का काम में लटके हुए थे और तोड़ फोड़ मोड़ चला रखे थे, कोई ये तोड़ो ये मोड़ो ये चेंज करो वो चेंज करो, तो जितना सारा परेशानी था अभी वहां से थोड़ा सा राहत, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का आवश्यकता है। मटका वालों के लिए दोनों ही बेस्ट है, सप्तम चंद्रमा फर्स्ट हाफ रहेगा, सेकंड हाफ में अष्टम चंद्रमा कर्म में बाधा और मानसिक पीड़ा और तनाव और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्सन दे देगा,
बिन मतलब का काम में आपको आज लटकना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा। मीन के लिए बात करते हैं, छठा और सप्तम चंद्रमा दोनों गुड बेस्ट, सेकंड हाफ में एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती में जाओगे, ठीक ठाक रहने वाला दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नक्षत्र के ऊपर, नक्षत्र फल के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र का मूवमेंट रहने वाला है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तो उत्तरा फाल्गुनी जीव जंतु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, जीव जंतु पास आ सकते हैं, उनको खिलाइए, मिष्ट भाषा आपके मुंह से निकलेगा और माता पिता का सुख का प्राप्ति होने वाला है। कार्य कार्य सिद्धि इस नक्षत्र से होता है, तो अच्छा कार्य बनेगा और आप इस समय बड़े सारे चीजों को मानसिक लेवल पे उतारोगे। कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या जो कला के प्रति मन में रुचि, और आज कोई भी कला चित्र वगैरह अंकन जो लोग करते हैं, कोई अच्छा आर्ट वगैरह गीत वगैरह, तो उनके लिए आज सुटेबल एनर्जी मिल रहा है। लोगों के प्रति मधुर व्यवहार और अच्छा प्रेमी और संतुष्टि और कम में संतुष्टि और एकांत में आनंद दिखाई दे रहा है आज का एनर्जी। और इस नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अगर हम लोग निकालते हैं तो पेड़ लगाना, लंबे यात्रा, लंबा काम और घर इत्यादि खरीदना, फाउंडेशन इत्यादि घर में डालना, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिव क्रिएटिव अच्छा एनर्जी। पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र के अनुसार हम लोग चलेंगे। सो सबसे पहले अश्विनी मेष मगा सिंह मूल धनु आपके लिए संपद विपद तारा, फर्स्ट हाफ गुड रहेगा, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्व साढ़ा धनु आपके लिए जन्म और संपद दोनों बेस्ट है, गुड है, बढ़िया है। कृतिका मेष वृष उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तरा साढ़ा धनु मकर, अति मित्र मित्र गुड है। रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकरू आपके लिए मित्र तारा में, और फिर आपका जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बाधक मित्र अति मित्र दोनों ही ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मृगशिरा भस्मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकर कुंभ, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा और मित्र तारा में जा रहा है। फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड रहेगा। अद्रा मिथुन स्वाति तुला सतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृषि पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ कार्य सिद्धि योग। पुष्या कर्क अनुराधा वृषिक उत्तर भाद्रपद मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृषिक रेवती मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, सेकंड हाफ गुड रहने वाला है। तो ये था आपके लिए तारीख फल, तिथि फल, बार फल, नक्षत्र फल, राशि फल, लग्न फल और होरा फल सब मिला के आपको अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो आपका चीज पॉजिटिव रहेगा, और उसमें से अगर 50% नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव फल रहेगा। फिर से कहना चाहता हूं, जो लोग अभी मेरे को कुंडली विश्लेषण वगैरह कर रहे हैं मेरे को डिटेल डाटा दीजिए, हाथ का आगे पीछे का फोटो, चेहरा का फोटो, पैर का फोटो, साथ में वास्तु का स्थिति और आपका जो नाम है, नामांक भी मैं निकाल के देखता हूं, जन्मांक, भाग्यांक और मोबाइल अंक, इन सब को मिला के आपका विश्लेषण किया जाता है। तो इसके ये सारा डाटा थोड़ा सा कुछ लोग आधा दे रहे हैं आधा नहीं दे रहे हैं, तो इसे इसे तो आप लोगों का अनुरोध रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।